गाइस अभी है ना सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है मालूम है, इसको जलाने का, पर मेरे पास रॉकेट है नहीं तो मैंने सेंट लाए। स्वागत है अपने और एक नए ब्लॉग में और अपने चैनल पे, जो अपने चैनल का नाम है करनू 4545। तो मेरा आज मूड हुआ कि मटन खाने का, तो मैंने ना एक चूल लिया था, आपको मालूम मैंने ये ब्लॉग में बताया तभी तक कि मैं फार्म हाउस पे उसको लेके जाने वाला था, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं मेरे से। तो मैं ऐसे प्लान किया है कि मैंने आधा किलो मटन लाया है, और बाहर देखो वो मौसी जी वो काम कर रही है, वो कुछ साफ सफाई चल रहा है, वो काम कर रही है। तो मैंने ऐसा प्लान किया कि वो चूल पे आज मटन बनाते हैं, तो मैं बोला ऐसा ही बनाने से अच्छा वो बना देती मावसी बना देती, बोला उनको बोला उनको मैं बनाता हूँ, कुछ टेंशन नहीं रहेगा। तो आज जरा मटन बनाते हैं, और ये ब्लॉग में मटन का बनने वाला था। अभी मेरे को कांदा टमाटर वगैरह काटने गए, तो वो मैं आपको शूट में दिखाता हूँ कैसे रेडी करता हूँ, कैसे क्या क्या होता है, और चूल पे बनाऊँगा मटन तो जुड़े रहना ब्रो। बहुत लोग मेरे पे भड़केंगे, मुझे मालूम है कि ये पाप करते हो वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे खाने के लिए लगता है, तो मुझे माफ़ कर दो यारो, आधा ही किलो लाया था मैंने, पीछे मैंने बहुत कुछ भेजा भेजा भी लाया, तो मुझे माफ़ कर दो यारो। इसको ही आज पकाने का है और मैं खाऊंगा बाकी के साथ, तो आपको भी दिखाऊंगा, जिसको भी खाना है फटाफट घर पे आ जाओ। तो गाइस सबसे पहली दिक्कत क्या हुई मालूम है, चूल पे तो बनाने का है लेकिन लकड़ी नहीं है, तो वो जाना है पहले लकड़ी ढूंढने जा रहा हूँ, किसके किसके यहाँ से भीख मांगूंगा और वो लकड़ी लेके आऊँगा और उस पर बनाऊँगा आज मैं मटन। तो किसके पास जा रहा हूँ, मेरा एक मामा इधर झाड़ी में रहे, उसके पास जाता हूँ और लकड़ी की भीख मांगता हूँ। ओके, अरे मेरा लाकड़े पाहिजे जरा मटन बनवायचं आहे मला, हिला कोंबडा एवढा ना दे रे, हाँ कोंबडा एवढा डेंजर आहे गाइस, इसको देखो काय बोलतो, म्हणजे चावल आहे तो गाइस, काटने को आता है भाई, ऐसा डायरेक्ट अंगावर जाऊन येतो, तो चावला काय येतो भाई, कैसे गाइस कैसा मजबूत है ना पार्टी, 2 किलो का रहेगा, 2 किलो इसका एक काम 25 करना मांगता है साला। वो देखो गाइस, वो देखो लकड़ी का काम चालू है, वो देखो बस अभी टेंशन क्या मालूम है उसमें रखने का कैसे बस 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 और जल्दी और मेरी लकड़ी मिल चुका है, और इस पे मटन सीजेगा कि नहीं सीजेगा मुझे डाउट आ रहा है, फिर भी देखते। गाइस देखो शेर का बच्चा कितने सारे, देखो संजय मैं काय भाई एवढी मोठी टीम का पाळली, हाँ एवढी मोठी टीम है ये, हा ना भारी है रे, इधर तो प्राणी संग्रहालय रे, इसके आके देखो पैसा वसूल ना, और जोड़ी कैसे बैठी देखो ना एकदम गार्डन में, है का? नो मांजरी के बच्चे इनके पास, ये मांजर है ना इससे आवाज नहीं आता, एकदम से नॉर्मल आते, मुखिए बोल रहे हो। मैं लकड़ी लेने आया था कि जू में आया था वही मुझे पता नहीं है, अरे ये लैबुट है, ये बटला वांगा है, अच्छा कह रहे बटलिया बटलो। फाइनली मैंने लकड़ियां लाई है अपने संजय मामा के घर से, उधर आपने देखा रहेगा कुत्ते के कितने बच्चे हैं, उनके पास 9 मांजरी के बच्चे। तो मेरा प्लान ऐसा चल रहा है कि अभी मैं चूल पे जवन तो बनाऊंगा, भेंडी अभी इतना मेहनत किया ना तो मैं बनाऊंगा ही, तो आपको ये ब्लॉग पूरा देखना है कैसे कैसे क्या क्या देगा, अभी कांदा लहसुन लसुन जमा करता हूँ, काटने बिटने का भी वीडियो बनाता हूँ। गाइस ये देखो आपको लगा रहेगा इसको मैंने ऐसा साफ वगैरह किया, ये मैंने नहीं किया, वो मौसी जी ने किया है, उन्होंने थोड़ा सा वाटन भी बना के रखा था 2-3 दिन पहले का, वही मैं यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि वाटन के बिना सब नहीं है मटन को, समझा? तो ये बनाए, अभी मेरे को बस कांदा और टमाटर मोटे काटना है, वही आपको दिखाने का मेरे को वीडियो में, और ये भी किधर से भीख मांग के लाया है क्योंकि मुझे भाकरी खानी है, तो वो मेरे बाजू वाली जो है ना उसके पास से मौसी ने लाया है, मैंने बोला उनसे जाके मांगो वो लाया। गाइस तो ये अपना चूल है जो मैंने खरीदा था बहुत दिन पहले, मैंने इसको यूज ही नहीं किया बिल्कुल भी, आप देख सकते हो मैंने यूज ही नहीं किया, मुझे इसको लेके जाने का था फार्म पे, कुछ बनाएंगे खाना पीना, लेकिन कुछ हुआ नहीं क्योंकि प्लान ही नहीं बना, अभी मुझे देखना है कि चालू है बंद हो गया, ओ चालू है, आपको आवाज सुनाता हूँ, आवाज सुनो है कि नहीं, नाद खुला रे खुला चालू है,
चालू है ब्रो, चालू खेल शुरू। अभी इससे होगा तांडव। तांडव नहीं, मटन बनाने का रेसिपी। गाइस आपने ना बहुत तरह की चूल देखी रहेगी, कोकण बिकर में लोग मट्टी के बनाते हैं, मेरे पास लोखंड की है और उसको चार्जिंग करना पड़ता है ब्रो, चार्जिंग करना पड़ता है। जल्दी लकड़ी पे मतलब जल्दी लकड़ी इसमें, लेकिन इसको चार्जिंग करना पड़ता है। मैंने बहुत दिन से यूज़ नहीं किया तो देखते अभी हो रही है या खत्म हो गई। नया लिया था मैंने 1500 में 1600 में। लाइट तो चली, लाइट जल रही है, चार्जिंग हो रही है प्रॉपरली, होने दो इसको चार्ज, तब तक मैं अपने काम कर लेता हूँ। अपना रेसिपी स्टार्ट हो गया। देखो अपना गाउटी रेसिपी है, उसके लिए अपने को चार कांदे लगने वाले हैं। आधे किलो के लिए चार कांदे थोड़े ज़्यादा होने वाले हैं ऐसा मेरे को लगता है। ये आलू है, टमाटो, कोथिंबीर और ये वाटन तो उधर रेडी है, और ये आलू लहसुन पेस्ट बनाने का है मेरे को। इसके लिए ये सामान लेके, ये चॉपर, कटिंग चॉपर क्या बोलते हैं उसको, ये लेके रखा है। और आँख से पानी ना आए इसके लिए मैंने गॉगल भी लेके रखा है, क्योंकि कांदा काटने के टाइम जितने भी मौसी व्यूसी देख रही हो आप गॉगल लगा के कांदा काटो तो बहुत अच्छा रहता है, आग से पानी कम आता है। तो फाइनली गाइज अभी मैंने ना, श्रीमान भाई ने मुझे माइक दिया था, उसका यूज करके मैं भी कांदा बिंदा काटने बैठा हूँ। तो कांदा काटने के टाइम पे विषय ऐसा है, कांदा काटने के टाइम पे गॉगल लगाना बहुत जरूरी है, ताकि आग से पानी ना आए और आए भी तो दिखे ना। ओके, तो अपन कांदा काटने का कार्यक्रम चालू करते। छुरी बिरी मैंने सब लेके रखा, आई सबने तो कांदा बिंदा काटा ही होगा, मैं काट रहा हूँ कुछ नया नहीं है। और घर में टोपी पहनने क्यों जरूरी है मालूम है, क्योंकि मेरे बाल बिखरे हुए हैं और मैंने नहाया नहीं, मैंने बस हाथ पाए मुंह तोड़ धुआ है और आके इधर बैठा हूँ। और थोड़ा हिंदी मराठी मिक्स रहेगा, मराठी लोग भी मेरे को चिल्ला रहे बहुत ज़्यादा कि भाई तू ब्लॉग बना रहा है और मराठी में बना ये वो ऐसा वैसा। तो मैं मराठी में भी ब्लॉग बनाने वाला हूँ, मेरा सेकंड ब्लॉग जो आने वाला है, मैं जा रहा हूँ फार्म हाउस पे। मैंने ऐसा सुना है कि उधर ना ऐसे छोटे छोटे फ्रूट्स वगैरह कुछ कुछ आए हुए, कलिंगड़ विलिंगड़ कुछ आया हुआ है फार्म पे, जो एक आदमी ने लगाया था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। तो मैं जाने वाला हूँ बाइक पे, उसमें थोड़ा मोटो ब्लॉग रहेगा, और मोटो ब्लॉग होने के बाद उधर जाके मुझे देखना भी है, पानी भी मारना है पेड़ों को। अभी पानी मारने जाता था एक आदमी, अभी नहीं है वो, तो देखते उधर जाके देखते। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं कांदा काट रहा हूँ, तो मेरा मूड थोड़ा चला गया गाइस, क्योंकि वो जो टॉपिक निकला ना वो थोड़ा मुझे पसंद नहीं है वो टॉपिक, फिर भी ठीक है, अभी क्या ही बोले। कांदा थोड़ा बड़ा ही रखने का भाई, गाउटी रेसिपी बोलते हैं इसको, और मतलब मेरे हिसाब से तो मेरी बनाई हुई रेसिपी है जो गाउटी है, जो मेरे मम्मी ने मेरे को सिखाया था। और ऐसा बहुत सारा कचरा घर में उड़ना चाहिए, क्योंकि पंखा लगा के कांदा काट लें, ताकि कचरा हो जाए और मावशी को ज़्यादा परेशानी होए और उनका काम बने। अभी ये कैसा बनेगा ना भाई वो मालूम नहीं, लेकिन चूल पे खाने का है ना मेरे को, इसके लिए मेरे को मतलब आज का ये व्लॉग को कुछ संबंध ही नहीं था, मैं अकेला हूँ खाने को, तो मैंने सोचा क्या करूँ, तो आधा किलो में वो लेके आई, लेके ही आया। और मुझे जो आपने गिफ्ट देखा था अपना, वो एक रील वायरल हुआ था छत्रपती शिवाजी महाराज जी का। आता मी गिफ्ट दाखवतो भावांनो, जगातलं सगळ्यात मेन गिफ्ट आहे, आणि मी चप्पल काढतो। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। वो देखो मूर्ति वहां पे, इधर फूल भी वो मावशी आके पूजा वगैरह करती है। मैं ऑफिस में बोला था, लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि ऐसे मत करो, तो भगवान जो है वो उनके इसमें होने चाहिए, तो मैंने मंदिर के इधर ही उनको रख दिया। मैं ऊपर रखने वाला था, लेकिन ऊपर जगह नहीं, थोड़ा हैवी है वो, तो इसके लिए मैंने नीचे रख दिया है। और प्रॉपरली मावशी वगैरह आकर रोज पूजा वगैरह करती है, अच्छा लगा। मैंने लोगों ने बोला, मैंने लोगों का सुना, जिसकी जगह वहाँ पे महाराज जी की जगह दिल में भी है और मंदिर में भी है, तो इसके लिए मैंने उनको अपने मंदिर में ही रखा है। और सच्ची में गाइस, ये जो महाराज जी का इतिहास वगैरह ना आप जान के लो, बहुत जरूरी है। संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी स्टोरियाँ जाननी जरूरी है। श्रीमान भाई उस दिन जो बोला था वही सेम, उस पर अमल करो, बाकी कुछ नहीं है। सेम ऐसी मतलब ऐसे कलर नहीं, अलग मूर्ति है जो मेरे इधर है अपने फ्लैट पे भी मेरे महाराज जी की मूर्ति फ्लैट पे भी है। अभी मैं ऑफिस में भी लेने वाला था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मत रखो, मैं ऑफिस में रखने के लिए नहीं है वगैरह वगैरह, तो मैंने वो डिसीजन ही कैंसिल कर दिया। अभी काट रहे ब्रो टमाटो। हाँ, मैंने उस दिन भी एक ब्लॉग में पूछा है, कौन सा ब्लॉग, शायद वेरना सर्विसिंग डालने के लिए जो मैंने ब्लॉग बनाया था ना, उसमें मैंने पूछा है गाइज, मैं हर संडे एक कौन सा तो भी रेसिपी बनाने का सोच रहा हूँ, चूल पे, अपने फार्म हाउस पे बना या घर के बाहर। अभी ये मैं फार्म हाउस पे बनाने वाला था, लेकिन मैं घर पे ही बना रहा हूँ। कमेंट में ज़रूर बताना कि ऐसा रेसिपी मतलब नहीं क्या, बाहर नदी के साइड में या गाड़ी में अपनी हिमालयन पे लेके जाके सब, ऐसा नहीं क्या बना निकाय, तो मैं बनाऊँ क्या? आपका अगर उस पर रिस्पॉन्स रहेगा तो हर संडे एक रेसिपी, मच्छी, सुकट, बोमबिल, जो भी है वो बनाने का। अभी काट रहे आला,
क्योंकि इसका बनाने का है मुझे पेस्ट, आलू लहसुन पेस्ट। आलू लहसुन पेस्ट के बिना मजा ही नहीं है ब्रो। ओके गाइस, जरा थोड़ा नजदीक के एंगल से भी आपको दिखाता हूं उनको। हाँ, तो थोड़ा पास से, अभी इसमें मैं नहीं दिखूंगा। देखो आलू लहसुन वगैरह काटना है और शायद ये इधर ही डालना है इसमें। और मैंने देखो मावसी को बोल के रखा था कि लहसुन का साल निकाले ना ज़्यादातर, वो डायरेक्टली उसमें डाल दो क्योंकि उसमें थोड़ा फ्लेवर वगैरह आता है और अपना चूल पे बनाने का है तो उसके हिसाब से। अभी थोड़ा कोथिंबीर वगैरह काटते, मज़ा आ रहा है यार, बहुत दिन के बाद काम कर रहा हूँ। और देखो गाइस, ये जो सब सामान निकल के रखा है मैंने नहीं निकाला, मतलब जो जो लगता है मैंने उनको बोला के रखा था कि ऐसा ऐसा आप निकाल के रखो, मेरे को इजी होए, तो उन्होंने ये सामान जो मैंने बोला था वो निकाल के रखा था। अभी सब अपना कटिंग बिटिंग सब हो चुका है, कांदा वगैरह। अभी इसका मैं पेस्ट बनाता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। और इसके बाद में फिर अपन जाएंगे बाहर, चूल्हे पे खाना बनाएंगे ना ब्रो। आलू लहसुन की पेस्ट अपने को बनानी, तो मैंने मिक्सर विक्सर एकदम संजो के रखा है, तो अभी थोड़ा मैं इसको ग्राइंडिंग करता हूँ। उसके बाद में काकी वगैरह देख रही है, सॉरी मैंने डायरेक्ट थर्ड पे लिख के गया था, पर जिम ना तो हेवी हो गया हाथ थोड़ा। अभी इसमें थोड़ा डालते हैं पानी, क्योंकि खुल जा सिंसी। कैसन बा, एकदम प्रॉपर ना, साला मैं कुकी बन जाऊँ ऐसा लग रहा है यार, एक होटल डाल ही दूँ। गाइस थोड़ा वाटन में दिक्कत हो गया क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा लहसुन देखो थोड़ा अक्खा ही रह गया, मुझे लगता है एक बार चक्री घुमाना ही पड़ेगा वापस से पानी डाल के, सर लग रहा है मे बी थोड़ा पानी डालते चे ना। अभी मुझसे गुलाब जैसे पातल बनाऊंगा, ये ध्यान में रखना। अभी वो थोड़ा लहसुन थोड़ा आकर रह गया था, अगर थोड़ा जूम था लगता है, अभी मैं थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही ग्राइंडिंग करता हूँ। फर्स्ट सेकेंड सेकेंड ये वन टू, अभी प्रॉपर हुआ रहेगा, अभी टेंशन नहीं है ना, एकदम प्रॉपरली हुआ है सब, एकदम प्रॉपर हुआ है। अभी ये थोड़ा इधर जो चिटका है ना उसको निकालना पड़ेगा। अभी थोड़ा ना बाहर जाके आता है, थोड़ा दही का कमतरता गिर रहा है, मैंने दही लाया ही नहीं गलती से, वो लेके आते हैं। ओके गाइस, मावसी की भाकरी तो देखो ना ब्रो, ऐसा ना मावसी फुटली। तो गाइज अभी मटन बनाने को ले रहा हूँ, बजे लगभग ढाई, कब बनाऊंगा और कब खाऊंगा माने, क्योंकि दो ना वाशी से कोई ब्लॉगर आए थे, उनको मिलने का था अपने को, तो उसके लिए वो आए थे। अभी मैं धो रहा हूँ, थोड़ा किचन को थोड़ा इग्नोर मारो क्योंकि स्वच्छ नहीं है, माफ करो यारो। अभी इसको क्या करते हैं, पहले अपन टकाटक धो के लेते, उसके बाद में मैं क्या क्या प्रोसेस करूंगा वो आपको सब दिखाऊंगा। उस टाइम पे शायद ही मेरा मुंह दिखा तो दिखा, लेकिन मटन धोना बहुत जरूरी है। अभी बनाने वालों मेरे पास भेजा भी है, मैंने लाया है, मुझे मालूम है लोग बहुत भड़केंगे जो नहीं खाने वाले वो, लेकिन ऑप्शन नहीं, हम खाते हैं पहले से और खाते आ रहे हैं तो उसको कोई ऑप्शन नहीं है। अभी मस्त टकाटक धो के ले लिया मैंने, बाकी का प्रोसेस आगे। तो गाइज अभी ना अपन इसको थोड़ा अलग लेवल पे बनाएंगे, इसको वो अगड़ बोलते हैं, मेरे मम्मी ने मेरे को सिखाया था अगड़। ये दो चम्मच इसमें अपन आलू लहसुन पेस्ट डालेंगे, उसके बाद में इसमें डालेंगे अपन एक चम्मच हल्दी, डेढ़ चम्मच थोड़ा डालेंगे, उसके बाद में अपन डालेंगे इसमें थोड़ा कोथिंबीर, इसमें डालेंगे थोड़ा सा प्याज, इसमें डालेंगे थोड़ा टमाटो, और इसमें थोड़ा सा डालेंगे बाद में नमक, नमक इतना इनफ है, इतना इनफ है, कमेंट में जरूर बताना इनफ है क्या नहीं। तो ये हो गया, अभी अपन इसको मारेंगे मिक्सिंग। ये मेरे मम्मी का रेसिपी है, अभी आप लोग ऐसे ही बनाते कि नहीं बनाते मुझे मालूम नहीं है। इसको भी मैं चूल्हे पे ही बनाऊंगा तभी इसका फ्लेवर आएगा भाई। अयो सॉरी यार, सॉरी थोड़ा मिस, कैसे गाय थोड़ा मतलब इधर का धूल मिट्टी कचरपट्टी जब अंदर जाएगा ना तो फ्लेवर आएगा, मेरे हिसाब से तो वही है भाई, मिट्टी वाले आदमी है, मिट्टी में ही जाने का है तो भाई मिट्टी का ही खाना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, अभी आगे का प्रोसेस आगे मैं बताता हूँ आपको। इसको अभी थोड़ा मैरिनेट होने दो, इसमें अपन अभी इसका यूज करेंगे बाहर जाके, क्योंकि चूल्हा भी जलाना है,
इसमें डालेंगे तेल, तेज पत्ता, इसको डाल के थोड़ा पानी डाल के, ये भांडा मैंने पानी निकल के रखा है, ये डाल के इसको थोड़ा पकाएंगे, फिर पतीले में डाल के इसको कांदा नींबू टमाटो विमाटो के साथ फोड़ने देंगे। तब तक के लिए जुड़े रहना, आगे का प्रोसेस देखने मिलने वाला है। तो गाइज अभी है ना सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है मालूम है, इसको जलाने का सबसे बड़ा स्ट्रगल है। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है रॉकेल, पर मेरे पास रॉकेल है नहीं तो मैंने सेंट लाया। अभी इससे जलता है, मैंने ऐसा सुना है, अभी इसका यूज़ करके देखते कि जलता है कि नहीं। माफ़ करो यारो, बहुत महंगा सेंट है, 1200 वाला, फिर भी मार रहा हूँ। देखा ना आइडिया, सेंट से जलता है, मुझे मालूम है ना। जलता है सही है, लेकिन वो फटक से जल गया, ज़्यादा मारना पड़ेगा लगता है। कैसा है ब्लॉगिंग कमेंट में बता। क्या है गाइस, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है, दिया है थोड़ा भगवान ने, अपनी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हुई लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग दिया है भगवान ने, तो अपन उसका यूज करते भाई। थोड़ा बहुत प्लास्टिक डाल के भी मैं जला सकता हूँ, लेकिन प्लास्टिक नहीं जलने का मेरे को। जलना ब्रो, जला था मैंने, बुझा दिया लगता है। अभी नहीं रॉकेल तो क्या करे गाइस, ये करना ही पड़ेगा ना, सेंट डाल के जलाना हलवा है। बताना चाहता हूँ, जो जुन्नी अपनी आजी बिज्जी माए वगैरह थी ना, वही भाई वो चूल जला सकते हैं, ये अपने बस की बात नहीं, गए आधे घंटे से मैं ट्राई कर रहा था, तो अभी जाके किधर अग्नि दिखाए मेरे को भाई, क्या ही बोले भाई, ये स्ट्रगल भरी लाइफ है। अभी गाइस अपना काम चालू हो चुका है, मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, दिखता ही रहूँगा शायद। अगू भाई आग फट गई यार। गाइस अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद शायद तेल गर्म हुआ रहेगा, क्योंकि अग्नि थोड़ा छोटा सा ही है, आ रहा है, हाँ गर्म तो हुआ है। अभी इस पर अपन डाले तेज पत्ता, इतना मजबूत तेल गर्म नहीं हुआ है, लेकिन धुआं जो मार रहा है ना, जो भी मावशी आई ये वीडियो देख रही है ना, अगर चूल्हे पे बना रहे हो तो गॉगल जरूर पहनो। थोड़ा तेल शायद ही गर्म हुआ ऐसा लग रहा है मेरे को, अग्नि तो प्रॉपर है। अभी इस पर अपन डालेंगे ये मैरिनेट किया हुआ मटन, जो कुकर गर्म हुआ है ना, और ये देख के मावसी जो मेरी आखिया करने वाली है ना माँ की, वो आप नहीं सोच सकते। मम्मी गई है मामा के गाँव, तो मावसी है, क्या ही बोले, लाइफ दिक्कत भरी है गाई, दिक्कत भरी लाइफ। इसमें डालेंगे अभी पानी, ये पूरा डालेंगे, पूरा डालेंगे, और इसको आएगा ऐसा लुक, उखड़े आने दो, इसके बाद में इसके लगाऊंगा ढक्कन, और काम 25 होने के बाद फिर उसको पकाना है वापस से। बहुत दिक्कत है गाइस, कुछ नहीं कर सकते, करना ही। फाइनली मैंने ढक्कन लगा दिया है, मेरे को एक उखड़ी चाहिए थी वो मैंने ले ली है। अभी बाकी का प्रोसेस मेरे को लगता है इसको 5 मिनट लगेंगे मैक्स टू मैक्स, लेकिन आग देखो कैसे गैस की तरह जल रही है, तो इसको 5 मिनट लगेंगे, और मे भी 5 ही मिनट लगेंगे, उसके बाद में अपन इसका प्रोसेस करेंगे आगे का फ्राई वाला, वो रस्सा वस्सा वगैरह बनाना, मेरे को पातल रस्सा बहुत ज़्यादा पसंद है वो बनाना। आप बोलेंगे गॉगल पहन के क्यों, क्योंकि इससे आ रहा है आँख से पानी कंटिन्यू, तो इसकी वजह से लोचा हो रहा है, तो इसको एक सिक्के आने दो, एक दो सिक्के आने दो, उसके बाद में इसको निकालेंगे प्रॉपर, लो चिकन बाहर निकालेंगे, उसका ही रस्से का पानी अगर बचा तो उसमें रस्से में रस्सा बनाने के लिए उसको ऐड कर देंगे, तो जुड़ रहना। A few moments later. आली रे आली सिट्टी ही आली, चुलीवरच्या जाऊन आमच्या गावात त्याचा वास सुटलाय ना, वास मा कसम गाइस, इतना खतरनाक वास सुटा ना, बस मन में हल्दी विल्दी में पकाया है, और मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, इतना बादशाह रे बबनी बना है ना, उसका वास इधर इलाके में अभी घूमेगा, बहुत प्यारा वास आ रहा है। और ये रेसिपी मैं वापस से बनाऊंगा, जब हम किधर कैंपिंग पे जाएंगे ना, तो उधर जाके वो रेसिपी मैं जरूर बनाऊंगा। गाइस अभी है ना एक मावशी जा रही थी रोड पे से, उसने बोला कि भांडे खराब हो जाएंगे, तो उसको ऐसा मिट्टी लगा ताकि वो जले नहीं, नीचे से मिट्टी जले, तो इसके लिए अभी मैं इसको ऐसा एकदम लाल बावटे कर रहा हूँ। यार कितनी दिक्कत है तेरे पहले लोगों को, और सिट्टी कंटिन्यू हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, लोगों को बहुत दिक्कत है पहले यार। अभी इसके अंदर भी मिट्टी चली गई, उसको भी निकालना पड़ेगा यार,
तकलीफ है, बनाना ठीक है लेकिन तकलीफ है। देखते आगे अभी इसको कैसे साफ करने का उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि इसको पहले सुखाना पड़ेगा, वो बड़ी दिक्कत है। और ऑन द रोड पे ये सब चल रहा है तमाशा, ये जो पूरा तमाशा चल रहा है ना पूरा रोड पे चल रहा है गाइस, मतलब लोग आने जाने वाले देख रहे कि इतने 4 बजे कौन सी सिट्टी हो रही है रोड पे, मतलब सब ठीक है ना। अभी ऐसे अपन रोड पे ही तमाशा करते तो क्या ही बोले, ठीक है। अभी ना सिट्टी वगैरह बस हो गया, अभी मैं इसको उतारता हूँ, ऐसे उसको जलने दो बाबा उसके लेवल पे, क्योंकि वो बाद में बुझने के बाद जलता नहीं है। मतलब ने कढ़ाई डाल दिए, रख दिए ऊपर चूल्हे के ऊपर, अभी इसको डालते हैं अपन थोड़ा सा तेल, बस हो गया, मे बी बहुत ज़्यादा हो गया लगता है, इसको थोड़ा गर्म होने दो, उसके बाद में डालेंगे अपन प्याज। थोड़ा कचरा विचरा गिर रहा है गाइस, तो कुछ ऑप्शन नहीं, अभी अपन बैठे ऐसी जगह पे तो क्या करें, क्योंकि चूल्हा तो घर में जला नहीं सकते। एक्चुअल में गैस पे बनाने वाला था और भूख इतनी डेंजर लगी है ना कि क्या ही बोले। अभी डालते हैं प्याज, मेरे को लगता है गर्म हो गया रहेगा। बहुत दिन के बाद यार कुकिंग व्लॉग बन रहा है, बहुत दिन के बाद, अभी बहुत बनने वाले। इसके लिए मैंने आपको कमेंट में पूछा है कि मैं कुकिंग व्लॉग बनाऊँ, मतलब हर संडे टू संडे बनाऊँ या क्या करूँ, इसके लिए मैंने आपको पूछा है। तो इसका पहला संडे का मैंने ओपनिंग तो कर दिया है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है मैं क्या करूँ। और मैंने नमक लाना भूल गया गाइस, मैंने उसमें भी नमक डाला था लेकिन इसमें भी बस एक ही चम्मच नमक डाल रहा हूँ, ताकि नहीं तो पूरा खारट विरट नहीं बनने, क्योंकि मावशी मेरा मतलब खाना खाने के लिए रुकी हुई है, मावशी को लगी है भूख, इसको थोड़ा और ब्राउन होने दो। गाइस ये इतना क्विक पक रहा है ना, मतलब चूल्हे पे इसके लिए चव आता है लगता है मेरे को। और ये जो मैंने ली है ना चूल्हा, ये बहुत काम की है भाई, क्योंकि मेरे को इसमें से एक पीस डालना पड़ेगा। रोड में से जो भी जा रहा है ना वो मेरे पूछा, क्या रे करण क्या कर रहा है, क्या रे करण मटन बना देगा, ऐसा वैसा कुछ भी पूछ रहे यार। अभी आलू लहसुन का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा बचा है वो, वड़ा पाव जैसा खुशबू आ रहा है भाई। इसको थोड़ा पकने दो, उसके बाद में डालेंगे ये वाटर। मुझे लगता है इसका फ्लेवर क्यों आता है, ये जो धुरला है ना इसके अंदर जाता है, इसके लिए उसको मेरे को लगता है उसका चव आता है ऐसा, मे भी यार। अभी डाल देंगे वाटर, मैं सच्ची बोलता हूँ गाइस, मुझे ना ये वाटन विटन पसंद नहीं है, लेकिन मम्मी का रेसिपी है, फोन कर करके पूछा है कैसे क्या करने का है। आँख मेरी फोड़ दी, अभी थोड़ा इसको पकने दो तभी मज़ा आएगा। 1-2-3 चम्मच मसाला, थोड़ा सा ये लाल, अभी इसको थोड़ा मैं भूल गया एक्चुअली, इस वाटन डालने से पहले मसाला डालने का था, लेकिन ठीक है कुछ इतना खास नहीं है, हो सकता है पक जाए क्योंकि वाटन अभी तक पका नहीं है। और चूल्हे पे कैसे भी गचड़ बुचड़ बनाओ, और गचड़ बुचड़ बनाने में जो मज़ा है और उसमें जो फ्लेवर है ना वो किस में नहीं है, तो नॉर्मल। ये जो अलनी बनाए ना, अलनी या वलनी कुछ बोलते बाबा, मेरे को तो कुकर का डर लगता है, क्योंकि एक बार मैंने खोल दिया तो पूरा उड़ा दिया था। झिंग झिंग झिंग, प्रॉपर बनाए ब्रो प्रॉपर, यही पानी यूज़ करेंगे अपन इसको पकाने के लिए, परफेक्ट। और कौन कौन मावशी आई ऐसा बनाते वो मेरे को ज़रूर बताना। आई सबको जा माँ कसम गाइस, ये देखो इसको ना थोड़ा तेल आने तक इसको पक, मतलब वाटन सिझना चाहिए। वो जो हम इधर गए थे ना घूमने, मतलब डाक भैरी, तब यही मेरे से लफड़ा हुआ था, हमने फटाफट फटाफट डाल दिया ना, इसके लिए पूरा चिकन को ना वाटन का ही फ्लेवर आ रहा था, तो इसको पहले थोड़ा तेल छूटने दो, उसके बाद में सब सामग्री डालेंगे जो भी बचा कुछ है वो। ये देखो ऐसे तेल छूटना चाहिए तभी उसको फ्लेवर आएगा, थोड़ा नहीं तो कर पर जाएगा। अभी इसमें अपन ने जो आलनी बनाया ना कुकर में वो इसमें डाल देंगे, और मैंने ऐसा कुछ ओबर दोबर नहीं, सब प्रॉपर वे बनाया, प्रॉपर वे। किसको किसको भूख लगी है भाई, मेरे को तो बहुत लगी। अभी इसमें डालेंगे अपन ये जो बनाया ना, ये इसमें डाल देंगे। मेरे को जो पसंद है ना वही मटन लाया है, छाप नली ये वो। कैमरामैन दो एक मिनट, ये देखो अभी इसको उकड़ी आने तक, मतलब वो सब गर्म ही है, ये फटाक से पक जाएगा, या ऐसा मतलब ये आलनी बनाने की वजह से ना मटन जल्दी जल्दी पकता है, और जो भूखेले आत्मा है ना वो ठंड हो जाती है वो खाने से। गाइस थोड़ा थोड़ा ना कि इसको उबाल आ चुका है, अभी इसमें अपन बचा कुचा जो टमाटो वगैरह है ना सब वो डाल देंगे, और ये कोथिंबीर डाल देते हैं, थोड़ा गार्निश वगैरह नहीं किया, मतलब 5-star फीलिंग। और इसमें लास्ट में अपना अभी एंडिंग का काम बचा है, वो है मटन मसाला, जो ऐसा ऊपर से छिड़काव कर देने का, और फाइनली एंडेड। अभी इसको अपन ऐसे हिलाएंगे नहीं, थोड़ा पकने दो, उसके बाद में इसको मिक्स विक्स मारेंगे, उखड़ की वजह से ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाएगा, और बाद में बनेगी मेरे हाथ की गाउटी
ओबड़ धोबड़ रेसिपी जिसका नाम है मटन ओबड़ धोबड़ रेसिपी फ्रॉम करनू 4545। गाइस इसमें भी थोड़ा थोड़ा मसाला बचा है, वो सब ऐसा मिक्स मिक्स मार के ये भी डाल देंगे। कुछ रखने का ही नहीं ना भाई, मेहनत की है तो पूरी खाने की। अभी इस पर अपन ऐसा ये इसके ऊपर अभी अपन ढक्कन दे मतलब रख देंगे, इससे उसको थोड़ा आधा घंटे तो पकने दो, उसके बाद मजेशीर भाकरी के साथ तोड़ देंगे। मालूम नहीं गाइस लोग पहले कैसे खाना बना देते और वो सब अज्जिया वगैरह कैसे चूल बना के वो खाना बना देती मालूम नहीं। ये देखो आग जल जल के धुएं से मर गया यार, ऑटोमेटिक चूल्हा होने के बावजूद इतनी तरह से वो अज्जी तो फुकने दिखनी मार के कैसे बना देती क्या मालूम। अज्जी सैल्यूट है तुमको यार, चुम्मा। गाइस फाइनली डन हो गया है, अभी मैंने वो ज़रा शेगड़ी बंद कर दी है, थोड़ा सा उपली वगैरह लेते और फाइनल कर देते। इधर का कचरा है ना, ये कचरा जब तक जमता नहीं तब तक खाने का मज़ा ही नहीं, तो कचरा होना जरूरी है। तो ये बाकी ये देखो रेसिपी तो देखो काला लग रहा है ऐसे मटन, लेकिन है लाल। थोड़े से आँच पे रखा है, फिर एंड कर दूंगा, अंदर लेके जाता हूँ, फिर सर्व करूंगा, वो वीडियो दिखाऊंगा, खाने टाइम का वीडियो दिखाऊंगा, फिर ब्लॉग को एंड कर दूंगा ना ब्रो, और खाने का मज़ा लूंगा। जिसको भी खाना है ये रोड से जा रहा है तो आओ और खाने को, बैठो मेरे साथ। गाइस मैंने राइस एक भाकरी इधर मस्त की काकड़ी कट करके थोड़ा प्याज भाकरी तो उधर मावजी ने बना के रखी है। अब इसमें से मैं आपको सिनेमैटिक भी दूंगा जहाँ पे ये मैं मटन ऐसा राइस पे डालूंगा, उसमें स्लोमो लूंगा स्लोमो, तो वो भी देख लेना, बाद में खाऊंगा और एंड कर दूंगा ब्लॉग का, क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। पहले आपको दिखाऊंगा कि मटन कैसे सीजा है, मेरे हाथ से बाजू है ये नली है, ये मुझे पसंद है, मैं पहले इसको ही खा के देखता हूँ। गाइस नमक वगैरह जो परफेक्ट बना है ना, मैं बोल नहीं सकता आपको कैसे बना है, मैं बोला भी रोड पे से जो जा रहा है वो खाने आ सकता है, फिलहाल के लिए जिसको भी चाहिए वो आ जाइए नली वगैरह खाने। मैं अभी तोड़ रहा हूँ इसको, तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। कुकिंग ब्लॉग बहुत दिन के बाद आया है, शायद आप इसको पसंद करोगे, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऐसे ही मिलते हैं किसी और वीडियो में, और मैंने आपको जो पूछा है संडे के संडे एक एक रेसिपी बनाऊं क्या ब्लॉग, मतलब वो चालू करूँ क्या संडे टू संडे, तो वो भी मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। और दुआ में याद रखना, बाय बाय। मैं डायरेक्टली चुम्मा देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, 2 बजे बनाने लिया था, अभी बज गए 4। Thank you.